जिला कांगड़ा के अंतर्गत नगरोटा सूर्या महाविद्यालय में कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने एक झंडे तले, सभी छात्र संगठनों ने कॉलेज में रिक्त पड़े पदों पर प्रवक्ताओं के ना होने से एक विशाल रैली निकाली। बच्चों द्वारा सरकार व स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की गई और कहा कि जब तक कॉलेज में प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी ये संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर कॉलेज में सरकार द्वारा रिक्त पड़े पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की तो चक्का जाम करेंगे। बच्चों ने कहा कि प्रवक्ताओं के ना होने के कारण पढ़ाई में बहुत परेशानी हो रही है। हम सुबह कॉलेज आते हैं और शाम को बिना पढ़े घर चले जाते हैं। कॉलेज में प्रवक्ताओं के ना होने के कारण हम परीक्षा में पेपर कैसे देंगे। बच्चों ने कहा कि कॉलेज को खुले 4 वर्ष हो गए हैं, एक बैच भी निकल गया, लेकिन अभी तक कॉलेज में सरकार द्वारा रिक्त पड़े पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। नगरोटा सूर्या कॉलेज में जिसमें 700 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बीबीए की कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं, लेकिन कोई प्रवक्ता नहीं लगाया गया। जो प्रवक्ता यहां पर लगे हैं उनकी ड्यूटी भी डेपुटेशन द्वारा दूसरे कॉलेज में लगाई जाती है। बच्चों ने कहा कि हम सरकार के विरुद्ध आने वाले चुनावों में घर घर जाकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इस रैली में तीनों संगठनों के छात्र SFI तथा NSUI के छात्रों ने भाग लिया। तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, जो फेल होंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा फिर? साथ में जो टीचर थे वो भी डेपुटेशन, जैसे 3 दिन उधर तो 3 दिन उधर, वैसे पोस्टें बहुत खाली हैं, तो कैसे फिर चलेगा? ना ही कोई पढ़ेगा फिर, कोई फिर ऐसे फेल हो रहे हैं सब बच्चे, तो जिम्मेदार इसकी पर दे सरकार ही होगी, जैसे कि टीचर नहीं है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी? अगर 3-4 दिन में चेंज किया जाएगा तो हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। एन स्टार न्यूज़ के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।